भूटान एक छोटा सा पर बहुत ही सुंदर देश जो हिमालय की पहाड़ियों से ढका हुआ है। इंडिया और चाइना भूटान के पड़ोसी देश हैं। यहाँ पर आप खूबसूरत पहाड़ियाँ, मोनेस्ट्रीज, लेक्स, ट्रैक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। भूटान का 70% एरिया जंगल है और 30% एरिया में ये देश बसा हुआ है। ऐसा माना गया है कि दुनिया के सबसे खुश लोग भूटान के होते हैं। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जो कार्बन नेगेटिव है। भूटान कोरोना आने के बाद अभी तक टूरिस्ट के लिए क्लोज है, बट 23 सितंबर 2022 से भूटान टूरिस्ट के लिए पूरी तरह से रीओपन हो रहा है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप गूगल कर सकते हैं। सो बहुत जल्द आप भूटान घूमने जा सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको भूटान के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि भूटान कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा भूटान घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो ये वीडियो एज अ गाइड काम करेगी जब भी आप भूटान का ट्रिप प्लान करोगे। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि ट्रैवल फॉर ऑल की सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भूटान की कैपिटल थिम्फू है, जो कि भूटान की सबसे बड़ी और फेमस सिटी भी है। भूटान की करेंसी भूटानीज नगल्ट्रम है। भूटान में कुछ जगहों पर इंडियन करेंसी भी चलती है। सो आप अपने साथ 100 या 200 के नोट रख सकते हैं। 500 और 2000 के नोट चलाने में आपको दिक्कत आ सकती है, सो आप 100 या 200 के नोट अपने पास रखें। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज डिजोंका है, पर हिंदी भी लोग यहाँ पर समझते हैं, सो लैंग्वेज का ज़्यादा इशू आपको नहीं आएगा। इंडियंस के लिए भूटान जाना वैसा ही है जैसे इंडियन की किसी अदर स्टेट में जाना, क्योंकि भूटान जाने के लिए इंडियन को वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बस पासपोर्ट या फिर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो वोटर कार्ड चाहिए होता है। बस आपको भूटान पहुंचकर परमिट लेना होता है। इंडिया से भूटान आप फ्लाइट, ट्रेन और बस से पहुंच सकते हैं। बाय फ्लाइट की बात करें तो भूटान में सिर्फ एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दो ही एयरलाइन भूटान में काम करती हैं, ड्रक एयरलाइन और भूटान एयरलाइंस, जिसकी फ़्लाइट लेकर आप आ सकते हैं। और इनकी फ़्लाइट की बुकिंग आप इनकी ऑफिशियल साइट से ही कर सकते हैं। अदर ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको भूटान की फ़्लाइट नहीं मिलेगी। इन एयरपोर्ट से आप भूटान की फ़्लाइट ले सकते हैं। ट्रेन और बस से अगर आप भूटान आना चाहें तो आपको आना पड़ेगा वेस्ट बंगाल। न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी तक ट्रेन आपको मोस्टली राज्यों से मिल जाएगी। न्यू जलपाईगुड़ी से आगे आपको पहुंचना होगा जयगांव, जो कि इंडिया भूटान बॉर्डर पर बसा हुआ आखिरी गांव है। सो 300 से 400 रुपए में आप जयगांव पहुंच सकते हैं। जयगांव से फुनसलिंग भूटान की दूरी 5 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी से 50 रुपए में जयगांव से फुनसलिंग पहुंच सकते हैं। फुनसलिंग को घूमने के लिए कोई भी परमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आगे आपको भूटान की और जगहें एक्सप्लोर करनी है तो आपको परमिट लेना होगा, और मैक्सिमम 7 डेज का परमिट आपको दिया जाता है। सो फुनसलिंग में आपको इंडो भूटान बॉर्डर पर इमिग्रेशन का ऑफिस मिल जाएगा, जहां से आप परमिट ले सकते हैं। सो परमिट आपको दो जगहों का मिलता है, थिम्फू एंड पारो, और यही दो मेन सिटीज़ हैं भूटान में घूमने के लिए। परमिट की कॉस्ट 1200 रुपये पर डे रहती है, सो आप अपने डेज के अकॉर्डिंग परमिट ले सकते हैं। फुनसलिंग इमिग्रेशन ऑफिस की टाइमिंग 6 AM से 8 PM रहती है, और सैटरडे संडे और लोकल हॉलीडेज़ को ये ऑफिस बंद रहता है, सो इस बात का ध्यान रखें। फ्लाइट से आप आ रहे हैं तो एयरपोर्ट इमिग्रेशन से आपको परमिट मिल जाएगा। एयरपोर्ट इमिग्रेशन 24/7 वर्किंग रहता है। भूटान पहुंचकर आपका इंडियन सिम काम करना बंद कर देगा, सो आप लोकल सिम 200 से 300 रुपए में ले सकते हैं, जो एक वीक के लिए वैलिड रहेगा। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो अक्टूबर टू में बेस्ट टाइम रहता है भूटान घूमने का। जून टू अगस्त रेनी सीजन रहता है, उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। होटल की बात करें तो 1500 से 2000 की रेंज में आपको एवरेज होटल मिल जाएगा भूटान में। होटल आप ट्राई करें कि ऑफलाइन लें। ऑफलाइन में आप अमाउंट नेगोशिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन में आपको होटल्स महंगे मिलेंगे। सो डे वन पर आप भूटान में थिम्फू जा सकते हैं, जो कि कैपिटल और मेन सिटी है भूटान की। थिम्फू में आप ट्रेडिशनल भूटानीज कल्चर के साथ साथ वेस्टर्न कल्चर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर आप नाइट लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं।
थिम्फू में आप ताशीचू डोंग मोनेस्ट्री, द नेशनल मेमोरियल, चेंग एंखा लेंखेंगा मोनेस्ट्री जो कि 800 साल पुरानी मोनेस्ट्री है, नेशनल फोक हेरिटेज म्यूजियम, डेकहेन मोनेस्ट्री, एनिमल प्रिजर्व सेंटर, क्लोक टावर स्क्वायर, सिंपली भूटान म्यूजियम, नेशनल लाइब्रेरी, सेंगेंग मोनेस्ट्री, बोटैनिकल गार्डन, बुद्धा स्टैचू जो कि दुनिया का सबसे बड़े बुद्धा स्टैचूज में से एक है, वीकेंड मार्केट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। थिम्फू सिटी में आपको काफ़ी सारे नाइट क्लब्स और बार भी मिल जाएंगे जहां पर आप म्यूजिक, डांस, ड्रिंक्स और नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं। मोस्टली क्लब्स की एंट्री फीस 200 से 350 रुपये रहती है। दो दिन थिम्फू में स्पेंड कर नेक्स्ट डे आप पारो जा सकते हैं। पारो भूटान की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट सिटी है। थिम्फू से पारो का डिस्टेंस 51 किलोमीटर है और 1 से 1.25 घंटे का समय आपको लगता है पारो पहुंचने में। बस से आप 150 रुपये में थिम्फू से पारो पहुंच सकते हैं। पारो में सबसे पहले आप भूटान की सबसे फेमस टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री जा सकते हैं। ये एक भूटान का आइकॉन सिंबल है जो कि 10,240 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई मोनेस्ट्री है जहां पे पहुंचने के लिए आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। सो 5 से 6 घंटे का समय आपको टाइगर नेस्ट विजिट करने में लगेगा। नेक्स्ट आप ज्यूरी डोंग फोर्ट जा सकते हैं जो कि 14 सेंचुरी में बना हुआ 5 मंजिला फोर्ट है। और आप पारो में रिनपुंग डोंग मोनेस्ट्री, ड्रग्याल मोनेस्ट्री, पारो चू रिवर, तेमचोए मोनेस्ट्री, 5 चोटन्स, चेला पास जो कि 3,988 मीटर की ऊंचाई पर है, उग्यन प्लेरी पैलेस, गोनसाका लैंगखेंग एयरपोर्ट व्यू पॉइंट और वीकेंड मार्केट अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। पारो घूमने के लिए भी आपको 2 से 3 दिन का समय चाहिए होता है। फूड की बात करें तो भूटान में आपको वेज और नॉन वेज फूड इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक मील की बात करें तो 200 से 300 रुपए में आपको एक मील भूटान में मिल जाएगी। अब बात करते हैं बजट की। सो भूटान घूमने के लिए आपको 4 दिन चाहिए होते हैं जिसमें आप 1.5 दिन थिम्फू और 2.5 दिन पारो घूम सकते हैं। सो खर्चा आपका कुछ इस तरह रह सकता है जिसमें अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो होटल का 4 दिन का खर्चा 1500 के हिसाब से 6,000 रुपये। सो पर पर्सन कॉस्ट होटल की 3,000 रुपये आएगी, मील्स का 3,000 रुपये पर पर्सन, साइट सीइंग, सिम और अदर चार्जेस 2,000 रुपये पर पर्सन, ट्रांसपोर्टेशन का 2,000 रुपये पर पर्सन और परमिट का 4,800 रुपये 4 दिन का खर्चा आ सकता है। सो इस तरह से आप 15,000 रुपये में भूटान घूम सकते हैं। इसमें आप अपनी सिटी से आने जाने का खर्चा ऐड कर भूटान का ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।